आज हम संस्कृत पीयूषम कक्षा 7 की पुस्तक से एकादश पाठ यानी कि 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सिंह दिलीपियोह संवाद, सिंह और दिलीप का संवाद या बातचीत। महाराजा दिलीप सिंह हंतु धनु आक्रश्य सज्ज भवति। महाराज दिलीप सिंह यानी शेर को हंतु माने मारने के लिए धनु आक्रष्ट धनुष को खींचकर सज्ज भवति खड़े हो जाते हैं। सिंह, तब सिंह यानी शेर क्या कहता है, ठीक है, सिंह उच्चे हसन जोर से हंसते हुए। महिपाल राजा तब श्रम ब्रथा, आपके श्रम या मेहनत बेकार है। भवान मा हंतु समर्थ न भविष्यति, आप मुझे मारने हंतु माने मारने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। दिलीप भवान का आप कौन है, किम इच्छिति और क्या इच्छा रखते हैं, क्या चाहते हैं। सिंह, तो सिंह बोलते हैं भगवत शंकरस्य सेवक अहम कुंभोदर अस्मि। सिंह कौन है वह बता रहा है, अहम माने मैं भगवान शंकर का सेवक कुंभोदर हूँ, यानी शेर का नाम क्या था, कुंभोदर। अहम एता धेनु हनिष्यामि, मैं सेवक हूँ और मैं इस गाय को मारूंगा। दिलीप भवान एव कथ वदति, भवान माने होता है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। सिंह माता पार्वती इमं देवदारु वृक्षम पुत्रवत पालितवती, माता पार्वती ने इस देवदारु के वृक्ष को पुत्रवत माने पुत्र की भांति पाला था। एकदा एकेन गजेन अस्य वृक्षस्य त्वक उच्छिन्नम, एक दिन एक गजेन माने हाथी ने इस वृक्ष की छाल, त्वक माने होता है छाल, उच्छिन्नम माने उखाड़ दी थी या छील दी थी। गजस्य दुष्ट कृत्येन माता दुखिता अभवत, गजस्य यानी हाथी के इस दुष्कृत्य को देखकर के माता को दुख हुआ। ततः प्रभृति महादेवेन एतस्य रक्षणार्थ अहम् आदिष्ट, तब से लेकर प्रभृति माने प्रभृति माने तब से लेकर के महादेव ने इसकी रक्षा के लिए मुझे आदिष्ट माने आदेश दिया है। तदा प्रभृति अस्याम गुहायाम स्थितो अस्मि, तब से लेकर इस गुफा के बाहर स्थित हूँ। अदय भाग्यवशात ऐसा धेनु आगता, अदय माने आज भाग्यवश एक गाय यहाँ आ गई, धेनु माने होता है गाय। अतएव एता धेनु त्यजतु, अतएव इसीलिए इस गाय को मेरे लिए छोड़ दीजिए।